नांदेड में पहली बार फारूकी मेडिकल लाया है फास्टेस्ट ऑनलाइन फार्मेसी सर्विस। प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से ई वाइटल ऐप डाउनलोड करें या हमारी वेबसाइट farookimedical.evital.in पर विजिट करें और प्रोमो कोड CE00Z3 के साथ रजिस्टर करने पर पाएं पहली 3 होम डिलीवरी मुफ्त और 40% तक की छूट। ऑर्डर करने के लिए ई वाइटल ऐप डाउनलोड करें, अपलोड प्रिस्क्रिप्शन के बटन पर क्लिक करें और अपना प्रिस्क्रिप्शन अपलोड करें। इसके बाद माई कार्ट से चेकआउट करें और आई नीड होम डिलीवरी का ऑप्शन सेलेक्ट करें। नांदेड़ में पथराव मामले में गिरफ्तार 25 मुस्लिम नौजवानों को जमानत दे दी गई है। नांदेड़ की सेशन कोर्ट में 25 नौजवानों को जमानत मंजूर हुई है। मुस्लिम एडवोकेट्स और शहर के सामाजिक कारकुनों की कोशिशों से इन नौजवानों को जमानत दिलाने में कामयाबी हासिल हुई है। मुस्लिम नौजवानों की पैरवी एडवोकेट अरिबुद्दीन और एडवोकेट तहवर पठान व दीगर मुस्लिम एडवोकेट्स ने की। वाज रहे कि त्रिपुरा फसाद मामले के खिलाफ नांदेड़ में रजा एकेडमी की जानिब से एहतजाज किया गया था। पुरअमन एहतजाज के दौरान पुलिस और एहतजाजियों में झड़प हो गई थी, जिसके बाद एहतजाज तशद्दुद में तब्दील हो गया था। पथराव में कई पुलिस अहलकार जख्मी हुए थे। पुलिस ने दूसरे दिन से ही पथराव में शामिल नौजवानों को हिरासत में लेने का अमल शुरू कर दिया। मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन हदूद में की गई पुलिस की इस कार्रवाई में कई बेकसूर नौजवान भी निशाना बने। त्रिपुरा में हुए वाकयात का निषेध बोल के 12 नवंबर को नांदेड़ में धरने आंदोलन का प्रोग्राम आयोजित किया गया था, जिसमें कुछ अपरकार घड़ गया था, जिसमें अलग अलग पुलिस स्टेशनों में अलग अलग क्राइम पुलिस ने रजिस्टर की थी। इतवार में क्राइम नंबर 284/2021 307/353 का गुना रजिस्टर हुआ था, जिसमें 38 आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट किया था। नीचे उनको जेएमएफसी साहब के कोर्ट में हाजिर किया गया। पीसीआर और एमसीआर होने के बाद सेशंस कोर्ट में उनकी बेल लगाई गई, जो कल मंजूर हो गई है, और हरेक को 25,000 के जाति मुचक और जमानत के ऊपर कोर्ट ने रिहा करने के आदेश दिए। आज 25 आरोपियों की जमानत दे दी गई है और अभी आज इंशाल्लाह शाम में छूट जाएंगे। ये पर जमानत नहीं देने की वजह से उनका टपाल नहीं बना है, इंशाल्लाह भी कल छूट जाएंगे। जो पिछले जो जुलूस के अंदर जो 12 तारीख को जो बच्चों को जो पुलिस वालों ने पकड़े थे अति करके, अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह के फजल करम से कामयाबी हुई, बच्चों की जमानत हुई। और जो जो इसमें जो लोग ने मदद और जो माविन मददगार रहे, जैसा कि नांदेड़ ज़िले के आरिफुद्दीन हमारे और पूरे वकीला, मैं इनका मशकूर हूँ। और मैं जो है सो जो ज़मींदार है, हमारे दोस्त, हमारे साथी मोहसिन खान साहब, हमारे मुतखेड़ के हमारे साथी मुबीन भाई और हमारे सरदार भाई, हमारे जेडी भाई, अनवर भाई, शाहिद कुरैशी, तमाम दोस्तों ने पूरी पूरी ताकत और पूरी पूरी एक इन एलर्जी के साथ काम किया। हमारा एक इन काम आज कामयाब हुआ। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे आज जो है सो हमारे मकानों पर रहेंगे। इनके जो है सो बच्चों के वालिद वालदाओं की दुआओं का काम हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह आज बगैर नांदेड़ की क़यादत के आज नांदेड़ के नौजवानों ने काम को अंजाम दिया, नांदेड़ के वकीलों ने भी ये काम को अंजाम दिया। मैं वकीलों का भी मशकूर हूँ और मैं तमाम ये काम के अंदर, ये ज़मीन के अंदर जो लोग जिस तरह से जो मदद करें, मैं सबका अपने तय दिल से शुक्र गुज़ार हूँ। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आज नांदेड़ शहर के जितने भी अफराद ख़ानदान जो अंदर थे 307 में, लोगों को आज बेल मिली। नांदेड़ शहर के जितने भी वकीला ने काम किए, उन सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और हमारे मोहसिन खान साहब ने जो सॉलेंसी के लिए प्रबंध किए, और जो लोग परेशान थे सॉलेंसी के लिए, आज इधर से उधर घूम रहे थे, पैसे देने के बाद भी वो चीज़ मुहैया नहीं हो रही थी, तो ऐसे मुश्किल वक्त में, ऐसी मुश्किल घड़ी में हमारे मोहसिन खान पठान और उनके चाचा इब्राहिम खान साहब और उनके साले साहब मुबीन भाई, ये सभी अफराद ख़ानदान मिलकर सभी मुस्लिम लोगों की मदद करने के लिए आगे आए, ऐसा ही जज्बा हमारे लीडरों में होना चाहिए। चूँकि आज मुस्लिम क़यादत की कमी की वजह से हमारे लोगों को आज इस तरह की परेशानी हो रही है, मैं नांदेड़ शहर के पत्रकारों और वकीलों का और हमारे मोहसिन खान साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और अपने दो अल्फाज ख़त्म करता हूं। बच्चों की बेल हुई है, रिलीज़ हो गए बच्चे पूरे, अभी और बच्चे जो बच्चे हैं वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी छूट जाएंगे। हमारे जो नांदेड़ के जो मोहसिन खान हैं उन्होंने और मुच्छेड़ के मुबीन भाई उन्होंने साइनल थ्री दे के और उन्होंने 140 बच्चों की जमानत ली है। और मैं नांदेड़ के जितने भी जो है वकील उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे जीडी
जावेद चौहान उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और मेरे जो भी दोस्त हैं उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।